गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल लॉर्ड मम्पी। तो अभी बज रहा है दोपहर का शायद साढ़े तीन बज रहा है। और ना आप लोगों को पता ही है आज है दही चूड़ा। फिर से इस चैनल में भी आप सभी को मेरे पूरा फैमिली की तरफ से हैप्पी दही चूड़ा। तो अभी ना मायरा को सुलाते हम भी थोड़ा सा सो गए, मतलब प्रॉपर नींद तो नहीं हुआ। बाबू बोल रहे उठो उठो जिम जाना है, उठो उठो, तो उठ गए हैं। अभी तो फिलहाल बैठे हैं, आर्यन का वेट कर रहे हैं। आर्यन पापा को लेके गए थोड़ा सा बाजार, क्योंकि ना हम लोगों का एक मोटर आया था नया जो कि ख़राब हो चुका है। तो आर्यन और पापा गए उसको दिखाने। तो आएंगे तब हम आप लोगों को बताए थे कि 27 को एक भैया का इंगेजमेंट है, तो वहाँ पे हम नहीं चाह रहे कि अभी कोई नया लहंगा खरीदे, क्योंकि हम जितना भी मेरे पास गाउन या लहंगा जो भी देखे हो ना, हम बस एक पर्पस के लिए खरीदे हैं और वही पर्पस में पहन के रख दिया। और प्राइस भी बहुत हाई हाई था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। और बताओ इतना महंगा महंगा कुछ खरीद के एक बार के लिए पहनो तो वो तो नहीं। तो हम ना कुछ दिन पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि अब भी कोई भी लहंगा वगैरह कुछ भी नहीं लेना है मुझे, वही सब रिटर्न पहनना है। वैसे अलग अलग वे में अगर पहनेंगे ना उतना थोड़ी पता चलता है, और ज़्यादा एक बार ज़्यादा होगा तो दो तीन बार वीडियो शूट के लिए पहने होंगे, नहीं तो वो पहन के हम एक ही बार लगता है हम कोई जो जिस ऑप्शन के लिए खरीदे थे कि आज हमको मीटअप में इस ये पहन के जाना है, बस वही मीटअप करके उसको रख दिए। और अगर पहने भी होंगे तो वीडियो शूट करने के लिए एक दो शॉर्ट्स वगैरह छत पे जाके आप लोग देखे ही होंगे, तो उसके पर्पस से पहने, हम पहन के कहीं गए नहीं है, उस एक ही पर्पस के लिए खरीदते हैं, वहाँ पे पहन के जाते हैं बस, उसको वो फिर रखा रहता है। वो भी तो वीडियो शूट करने के लिए बाबू डांट डांट के पहनाते हैं कि पहनो पहनो, नहीं तो हमको एकदम मन नहीं करता। लेकिन हम अभी डिसाइड कर लिए, अभी फ्लैट ले रहे हैं तो हमको एकदम इधर उधर ये खरीदना वो खरीदना एकदम बिल्कुल भी नहीं है, वही वाला रिटर्न पहनेंगे। तो वो सब ना क्या है, पापा का बेड के नीचे रखे हैं बॉक्स बेड में, तो वो बहुत भारी है, तो इसीलिए ना हम इस बार जो नया फ्लैट हो रहा है वहाँ पे हम सोच रहे हम हाइड्रोलिक बेड खरीदेंगे, ताकि अगर कभी भी हमको बाई चांस कुछ निकालना पड़े तो बाबू का इंतज़ार ना करना पड़े ऐसे उठाए। हाइड्रोलिक बेड क्या होता है ना, अकेले उड़ जाता है ऐसे बस एक बार प्रेस करने से, उठाने से। तो इस हम सोच ही ली तो वहाँ पे हाइड्रोलिक बेड ही बनाएंगे, तो यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है नहीं, तो इसलिए आर्यन का वेट करना पड़ रहा है। आर्यन अभी आएगा तब लहंगा हम आप लोग को सारा एक एक लहंगा और गाउन दिखाएंगे पहन पहन के। आप लोग सजेस्ट करना कि कौन सा हम एंगेजमेंट में पहने और कौन सा। एक गाउन तो हम श्योर है कि हम शादी में वो गाउन पहनेंगे जो मायरा का बर्थडे में पहने थे, वो भी बस एक ही में पहने था, और वो ना सबसे ज़्यादा महंगा हमको लगता है, और इसलिए हम सोच लें कि उसको शादी पहनने में। फिर भी हम सब पहन पहन के ना मेरे पास जितना लहंगा है गाउन है पहन पहन के हम आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग सजेस्ट करना कि कौन सा हम पहन के इंगेजमेंट में जाए, कौन सा शादी में। शादी तो देर है लेकिन हम सोच रहे कि ये सब लहंगा में से शादी में भी पहन के चल जाए। हो गया ज्यादा ओट आ गया। यही है जो हम बोल रहे थे कि हाइड्रोलिक बेड लगाएंगे, जो समझे आप। एरगन करके बाप रे बाप, चूहा चूहा कहाँ है, वो तो काटा। बाप रे देखो कितना काट दिया। और तो आप तो और है, चूहा का बच्चा लेके वहाँ पे रखे थे ना, बच्चा है बिल्ली खा लेगा इंसान। खुद का तो होता नहीं है, उठा रहे ये वाला। गाइस मेरा बेटी को देखो कितनी गोबलू मोबलू थी, ये जिस दिन हुई थी दूसरा दिन का वीडियो फोटो है। और वो कृष्ण भगवान को देखो, इसको उठाया उसको, इसको उठा पहले, वो जा रहा अच्छा तो थोड़ा चोट लगेगा। कितना लहंगा है तुमको ये भी पता नहीं है? नहीं कम से कम तो तुम्हारा लहंगा 1 लाख का होगा सब मिला के। अच्छा ये हम मिकी के शादी के लिए खरीदे थे ना, इसको तो रख देंगे, इसको हम नहीं पहने। कहे नया पहनो ना, मिकी के शादी में पहन लिए थे। फिर से लहंगा दिखा रही हो ना, पहनो। आज मम्मी दिखाने वाली है अपना लहंगा का कलेक्शन। सब बोल रहे हैं कि ये सब लेके खाएंगे क्या, रखे हैं क्या, पहनेंगे रख, पैसा वसूल तो हो रहा है ना व्लॉग के बहाने। तुम वो सब फिर से पहनो कि हम तुमको देखेंगे व्लॉग के बहाने। नहीं गाइस आप लोग प्लीज सजेस्ट करना कि हमको एंगेजमेंट में कौन सा पहनना चाहिए। बिलाई जैसा लग रहा है। तो जैसे कि आज हम आप लोगों को मेरा लहंगा कलेक्शन दिखाने वाले हैं, तो सोचा कि प्रॉपर इधर
सेटअप पे खड़ा। ये पता है किस लिए बनाए थे? ये हम अपना शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए बनाए थे। तो चलो ज्यादा पकड़ पकड़ निकालेंगे, एक एक करके स्टार्ट। सबसे पहले आ रहा है ये लहंगा, बहुत भारी है लहंगा नहीं है, एक गाउन है और सेम इसी कलर का भी एक लहंगा है, वो भी हम दिखाएंगे। और इसमें ना मिरर वर्क किया हुआ है, इतना भारी और ना एक गाय, मतलब हमको लगता है ना चुभने वाला है, थोड़ा बहुत तो चुभता है, एकदम हैवी है ना भाई साहब। पहन तो लेते हैं इसको, पहनने का तो तरने को लिए बाबू 10 बार बाबू उसको पैंट कर, उसको पहले जल्दी जल्दी तुम बुला ना, करते ना करते ना, हम पहले आप लोगों को दिखाएंगे और हम आप लोगों को पहन के भी दिखाएंगे ना। मेरे ख्याल से ये तो नहीं, हमको भी नहीं, ये तो हम पहले ही बोल दी पहनेंगे नहीं, लेकिन आप कलेक्शन दिखाने वाले। तो ये मेरा गाउन कलेक्शन में से एक है, ये पूरा डार्क पिंक में है और बहुत हेवी है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहने हुआ भी है, फोटो है, अगर रहेगा तो साइड में लेंगे, नहीं तो मैं तो पहन के भी आपको पहन के दिखा दूंगा। हाँ पहन के दिखा देंगे, इसका इतना हेवी है ना, दिखा तो दिया, घुसाने में बहुत ज्यादा ये होगा, बहुत भारी है, बहुत भारी। उसके बाद ये हम रिसेंटली लिए हैं इसके शादी में, मिकी के शादी में। उसके बाद एक लहंगा है जो कि ये है, इसका ये मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब जैसे हम चाहते थे इसका, ये मेरा चॉइस है, तुम नहीं ले ये चुपका, ये मेरा फेवरेट है, ये ना हम क्यों फेवरेट है बता रहे हैं। इसका देखो, इसका फुल एक हमको देखो, एक दिन में हम दो लहंगा खरीदे थे क्योंकि एक खरीदने गए थे और प्राइस थोड़ा सा हाई है, तो हम सोचने में पड़ गए दोनों एक साथ कैसे लेके चले, तो फिर बाबू बोले बाबू हमको प्लीज दोनों पसंद आ रहा है, बाबू बोले ठीक ले लो, तो हमको दोनों पसंद आ रहा था भाई, इसलिए दोनों, और दोनों इसलिए पसंद आ रहा है, हम ना हाफ नहीं पहनते, आपको ही पता है मेरा हाथ ये वाला थोड़ा सा चौड़ा है, तो हम फुल फुल पहनना पसंद करते हैं, तो इसमें फुल स्लीव में मिल गया था। और इसका जो बैक है ना, पूरा बैकलेस है, मतलब नेट है, बैकलेस भी नहीं बोलेंगे, नेट है, मतलब पूरा बैक आपका दिखता है लेकिन ब्लैक ब्लैक दिखता है क्योंकि ब्लैक नेट है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये भी मैं हमको बहुत सारा वीडियो में, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाया है लेकिन राता लंबी ऐसे में आया था। पहन के ना रात लंबी इसमें ना दूसरा में आया था। बेटू बाबा अंगूठी दिखा रही है, तो ये एक ब्लैक ड्रेस है जो कि इसका जो गाउन है दिखाती हूँ। ये सारा हम ना एक ही बार, मतलब कहीं पे गए तो पहन के गए हैं, और बाकी ना बस हम वीडियो पे ही पहने हैं, वीडियो बनाने के लिए। भी बाबू बोलते हैं कि तुम इतना लहंगा ली क्या करेगी, कहीं तो जाना है नहीं, वीडियो बनाने जितना लहंगा निकला कल सब पहन के तुम वीडियो छत पे शूट करवाएंगे। हाँ उतना सब पहन के पागल है क्या, एक दिन में वो बोल सकते है। तो अभी तो नहीं, जो पहन के जाएंगे हम शादी में और वहाँ पे नहीं वो पहनेंगे, बाकी सारा पहनेंगे। हाँ तो ये है उसका जो गाउन है, बहुत भड़कदार लगता है पहनते ना, तो बहुत भड़कदार लगता है, और ये भी भारी है, इससे ज्यादा पहले वाला भारी था, ये भी बहुत भारी है, लेकिन मतलब ये भी हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, हम बहुत अच्छे से रखे है। और इसका दुपट्टा में ना साइड में काम किया हुआ है, कौन सा आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, कौन सा एंगेजमेंट में पहने जाए, हम आप लोगों के ऊपर ही छोड़ जा भी लूँ बताना कौन सा महंगे जाए। और इसका दुपट्टा बहुत सिंपल है लेकिन दो साइड से ना ऐसे काम किया हुआ है, दो साइड में उसके बाद बाबू है ये वाला लहंगा, ये वाला हम सेकेंड पहला वाला करवा चौथ में लिए थे। हाँ हम पहला करवा चौथ किए थे, तो हमको लहंगा पहन के करवा चौथ उठाने का बहुत शौक था, तो बाबू को बोले थे उस टाइम, हम लोगों का ना बहुत डाउन अप डाउन चलते रहता हर किसी के लाइफ में, तो बाबू बोले कि तुम मतलब ये मत हो, तुमको एक लहंगा पहन के करेंगी, तो ये लहंगा मतलब ठीक ही प्राइस में लिए, तो उतना भी हाई नहीं है लेकिन ठीक है, हम अच्छा लगता है लहंगा भी हमको, बस हमको ना हर लहंगा में ज़्यादा घेर चाहिए और इस लहंगा में ज़्यादा घेर नहीं है, यही इसलिए हमको उतना खास लगता नहीं है, लेकिन ये भी लहंगा बहुत सुंदर है, देखने में तो सुंदर है, घेर के लिए हमको ठीक ठाक हमको लगता है, क्योंकि हमको हर लहंगा में घेर ज़्यादा चाहिए, देखने में तो ये बहुत सुंदर है। देखो कितना प्यारा लटका, नहीं लटकन पहले से ही लटका हुआ था, हम अलग से नहीं लगाए, और पूरा इसमें इसे जोड़ी का काम हुआ है, पहनेंगे ना बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगता है ना, वो इसको पहनो, पहन के दिखाएंगे आप लोग, रुकिए आप, सबसे ज्यादा तो मेरा हस्बैंड ही क्या बोलते उतावला है, पहनो पहनो। और उसके साथ आ रहा है ये ब्लाउज, हम ना एक चीज सोचे कि ये ब्लाउज हम कोई भी साड़ी के साथ मतलब वेयर कर सकते हैं ना, तो ये ब्लाउज है ना, तो ब्लाउज बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा,
एक ऐसे बोलो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छे देखा हम उनको दिखाते हैं ब्लाउज ठीक ना ऐसे है इसका ब्लाउज में हमको कोई उसमें लहंगा में घेर का थोड़ा कमी लगता है बाकी इस ब्लाउज में हमको बहुत अच्छा लगता है कितना सुंदर ब्लाउज है हाथ में ऐसे ये ब्लाउज ये वाला हम बनाए थे तो ये हो गया मेरा एक लहंगा और इसका दुपट्टा ये है इसका दुपट्टा थोड़ा सा हेवी काम किया हुआ है मतलब थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे वर्क किया हुआ है बाकी बहुत बड़ा है दुपट्टा तो एक ये रहा पार्टी वेयर बोल सकते हैं इसको और है एक ये पहन के आप लोग हमको मीटअप में देख लियो हम ये दो जगह पे पहन के टाइम से लेते हैं हाँ वीगो वीडियो बनाते थे तब लेते हैं मतलब ये पहन के भले जब श्रावंती से मिलने के पर्पस से ये लिए थे हम वहाँ पे भी पहन के गए थे और एक वीगो का मीटअप था वहाँ पे भी पहन के गए थे ये बस दो जगह पे हम पहन के तो चले इसके साथ येलो है ना हाँ। और इसको पहन पहन के जो इतना वीडियो बना इसका स्कर्ट बहुत मतलब सिंपल है हम इस सबको ना घर पे पहन लेंगे ये जो ये सब है ना ये सब हम सोच रहे कहीं जाने आने के लिए पहन लेंगे क्योंकि ये सब और हमको नहीं लगता कि पार्टी वेयर क्योंकि ये सब में ना धागा वगैरह उठने लगा है जबकि दो तीन बार पहने हुए कहीं जाने के लिए बस और इसका ब्लाउज हम दिखाते हैं Oh my God, gorgeous. इसका ब्लाउज थोड़ा सा सिंपल मतलब वो स्कर्ट बहुत सिंपल था घेर बहुत था हमको येलो और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था हाँ और इसका जो ब्लाउज का सामने वाला वर्क थोड़ा हैवी है बाकी ब्लाउज भी बहुत सिंपल और ये भी रिकॉर्ड है गाइस जितना बार लहंगा लिए एक बार धोई नहीं है कोई लहंगा एक एक बार तो ये लहंगा हम धुले थे छठ पूजा में गए थे यही पहन के हाँ नहीं और नहीं लहंगा क्योंकि एक बार पहने हैं एक बार में हम कौन लहंगा चुप मम्मी लहंगा तुम्हें धोनी आता है ना हम सही में ये एक बार जो थे क्योंकि हमको याद हम छठ पूजा में इसको पहन के गए थे तो उसके पहले को दे देते छठ पूजा नाम मुझे थोड़ा डर लगता है तो इसको डर के मारे इसको हम धो लिए थे क्योंकि छठ पूजा में पहने थे और इसका दुपट्टा देखो हम कैसे करके रख दिए मेरे सुने मम्मी सुनेगी मम्मी तू कैसे रखती और इसका दुपट्टा हमने पूरा वर्क किया हुआ है इसका दुपट्टा हमको बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा इसका हमको सूट के साथ भी बेहतर ये सब ए वाला लहंगा हम घड़ी में सोचा पहन लेंगे बहुत अच्छा लग रहा है वो अरे ऐसे किया था तो बहुत अच्छा दिख रहे थे हाँ तारीफ कर रहे कैमरा की पिक्चर करवा और एक साड़ी है जो कि लहंगा में तो नहीं बदल लेकिन हम दिखा देते हैं ये साड़ी का हम घुसा के रख दे ये हमको मौसी दी थी हमको बहुत मेरा फेवरेट साड़ी है इसको भी हम घुसा के रख दिए थे लहंगा के साथ ही क्योंकि मेरा फेवरेट साड़ी है और शादी में मतलब इंगेजमेंट में जा रहा है एक दिन पहले तो हम सोच रहे इसको लेके जाए वहाँ पे पहनना पड़ेगा तो इसलिए हम लेके जाएंगे वो ना शबनम के शादी में मेरा एक ननद के शादी में और एक लहंगा मेरे पास है जो कि प्रिया के हल्दी में लिए थे लेकिन वो लहंगा पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आया ये लहंगा उनको उतना खास नहीं क्योंकि ना ये थोड़ा सा पहन के ना और ज़्यादा मोटी मोटी लगते हैं मतलब इसका अजीब ही स्ट्रक्चर है सही पकड़ रहे हैं ये लहंगा कुछ ऐसे येलो कलर का है और बस बस येलो कलर का है व्हाइट कलर का हल्दी में एक टाइम पहनने के लिए थी हाँ हाँ एक ही टाइम पहनने के लिए अगर हम मन करेगा तो हम ये किसी को दे भी सकते हैं क्योंकि हमको उतना खास ये पसंद नहीं है एक ही टाइम के लिए हम खरीद देते और वापस हल्दी में पहन भी सकते हैं किसका हल्दी में हम तो नहीं पहनेंगे किसी का भी हो हल्दी में हमको बिल्कुल पसंद नहीं है ये मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि हमको ना प्रिया के शादी में बहुत कुछ सोचा था कि हम ऐसे शादी में भी हो जाए इस साल तो हम भैया का शादी में सब कुछ मेरा नया आएगा घर के शादी बोल के बाद में थोड़ा सा हम ही अच्छे नहीं लगेंगे तो कैसे चलेगा हम गोतनी है वो भी चल सकता है तो ये सब तो हम किसी का भी शादी में नहीं पहनने वाले ये हम किसी को दे देंगे अच्छा हम मेरे पहनने से अच्छा कोई पहने लेकिन इसका ब्लाउज हम सोच रहे हैं ब्लाउज को तो कोई भी साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं है ना मतलब कुछ ये करके ब्लाउज बहुत अच्छा लग रहा है देखने में येलो साड़ी के ऊपर हाँ साड़ी के साथ ब्लाउज हम कर सकते स्कर्ट और दुपट्टा हम दे देंगे और ये रहा दुपट्टा इसका हम दे देना हम पहनेंगे दुपट्टा बहुत बचपन मतलब बच्चा वाला वाइब दे रहा है दुपट्टा बहुत बच्चा वाला है मतलब इमरजेंसी के लिए ले लिए थे तो ये रहा मेरा लहंगा पूरा और एक लहंगा है जो कि उसका फोटो इधर दे दिए आप लोग देख लीजिए
ये भी हम प्रिया के शादी में लिए थे, बहुत ही ज्यादा हेवी लहंगा है, वो मेरा बेड में है, मेरा बेड अभी उठाने से रहे हम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, लेकिन आप देख ही लो ये लहंगा पहन के ऐसे ही लगते हैं और बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना लहंगा हम दिखाए है सबसे महंगा यही वाला है जो प्रिया की शादी में हम लिए थे और सबसे हेवी यही वाला है, मतलब ये सारा हेवी है लेकिन सबसे ज्यादा। और एक लहंगा है तो मेरा पास, मेरा फेवरेट रेड कलर वाला लहंगा, तो दिखा नहीं मेरा रेड वाला लहंगा, एक सेकंड गाइस थोड़ा सा होल्ड कर मेरा, और एक मिनट हमको दो पसंद आ गया, ये भी और ये भी, दोनों मेरा फेवरेट बोल सकते हो लहंगा, ये लहंगा पहन के बहुत देखे होंगे शॉर्ट वीडियो बनाए, लेकिन स्पेशली इसको पहन के हम कहीं नहीं गए, इसको तो हम मीटअप के लिए लिए थे ना, वो मीटअप में किसी का शादी के लिए लिए थे याद नहीं है, तो हम उसी एक दिन ही पहने हैं, बाकी सारा शॉर्ट्स पहनाए हैं इसको पहन पहन के, बाकी हम कहीं पहन के नहीं गए, ये हमको लगता है अभी हमको फिलहाल थोड़ा टाइट होगा, तो ये रहा वो लहंगा, पूरा डार्क ब्राउन में है और इसका भी फुल स्लीव है जो कि हमको पसंद आया है, और इसका जो ये है वो, ये दोनों का स्कार्फ हमको बहुत पसंद है गाइस, बहुत ही ज्यादा पसंद है, देखो ये कुछ ऐसा हम पहन के भी दिखाएंगे आप लोगों को, पहले आप देख लो, तो और इसका दुपट्टा बहुत ही सिंपल है और बहुत मतलब पार्टी वेयर वाइब देता है, बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत सिंपल है दुपट्टा, हम क्या दिखाते हैं दुपट्टा बहुत सिंपल है, तो ये रहा मेरा फेवरेट टू, पहले तो फेवरेट ब्लैक था उसके बाद ये रहा टू, और उसके बाद एक और एक लहंगा है जिसको तो हम बहुत पहने हैं, घर में भी पहन चुके हैं, फिर अभी मन भर गया वो लहंगा लहंगा पे हम रख दिए, सबसे पहले तो ये इसका ब्लाउज ना हमको बहुत चुभता है, तो हम इसको पहनना बंद कर दो, ये हमको बहुत चुभता है, ठीक है ये सबसे पहले तो ये लहंगा, इसका हमको इसलिए पसंद नहीं है भाई इसका हाथ नहीं है, हम हड़बड़ी में मेरा हाथ लगाना भूल गया, लेकिन हमको लग रहा है कि इस बार इसका हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम अगर वेयर करेंगे तो हाथ लगा, इसलिए पूरा ना ये वाला जो है ना ये बहुत गड़ता है, मतलब हमेशा पहन के नहीं रह पाओगे, मतलब कोई पर्पज के लिए पहना फिर उतार दो ऐसे, उसके बाद इसका स्कार्ट बहुत ही हल्का है, बहुत हल्का, हम जैसे जैसे रखे थे इससे थोड़ा सा हालत इसका खराब है, चुटूट हो गया, इसको एक बार प्रेस मार देंगे ना तो ठीक रहेगा, ये भी वॉश किया, ये हम बहुत बार वॉश किए, क्यों पता है, क्योंकि इसको हम सूट के नीचे भी पहन लेते थे घर पे, तो इसको हम बहुत, हम कम से कम 5-6 बार तो इसको हम धो चुके होंगे, मतलब इसको हम बहुत घर पे भी पहन लेते थे, वो ब्लाउज नहीं बस स्कर्ट बहुत कम्फर्टेबल था तो घर पे भी पहन लेते थे, तो ये रहा इसका स्कर्ट, स्कर्ट एक बार तो आयरन मारना पड़ेगा, और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा, और इसका दुपट्टा देख लो, इसका दुपट्टा यूं ऐसा, इसका दुपट्टा ना बोल ना इतना यूज किए ना हम इसको, देखो इसका दुपट्टा बहुत यूज किया, इसका दुपट्टा और इसका स्कर्ट, वो टॉप नहीं क्योंकि ना बहुत लगता है यहाँ पे हाथ में गड़ता है उसका स्टोन, तो यहाँ फट फट गया था थोड़ा सा, देख सकता हूँ ट्यू ट्यू, तो ये रहा इसका दुपट्टा, दुपट्टा ही बहुत अच्छा है, तो ऐसे है पतला सा, तो चलो अभी हम जल्द से रेडी हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन देखने चाहते हैं आप लोग, ट्रांजेक्शन नहीं ट्रांजेक्शन बेबी, वही हुआ ट्रांजेक्शन, मेरे मुंह से सब ठीक है, है? चलो तो ये रहा मेरा फर्स्ट लुक, सबसे पहले यहाँ पे दुपट्टे इसलिए रखे है, इसका चेन प्रॉपर नहीं लग रहा है, चेन मतलब परफेक्ट फिट है तो है, लेकिन चेन बहुत दिन बाद पहन रहा है तो चेन में जंग पकड़ लिया लगता है, तुम हमारे लिए फंस गया, तुम तो एक नंबर लग रही है, लहंगा बहुत पुराना चीज ज्यादा आ गया, क्या लहंगा बड़ी महंगा है, लहंगा बड़ी महंगा है, जब अरे सरवाइव मेरी रानी करने दीजिए हमको, तो ये रहा लुक, नहीं ये रहा मेरी लुक, और स्कर्ट तो जो बोले बहुत रफ यूज किया है, लेकिन इसका इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका हम यहाँ तक लगा लेंगे ना,
उतना भी हाथ मोटा नहीं लग रहा है अभी तो एक्सरसाइज करिए और कमेगा तो हम ब्लाउज तो इसके ऊपर साड़ी पहन लेंगे तो पहले इसको पहन के लगती थी लड़की अब लगती है भाभी इधर आइए अरे तुम तो मेरी जान हो दिल का अरमान है इसको लड़की लगता था मेकअप करता था बिना मेकअप करा समझे और हम औरत है लड़की क्यों लगेगी अरे याई 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 यहां से तो चलो अभी आ रहे हैं नेक्स्ट ड्रेस पर तो ये रहा मेरा सेकंड लुक ये पूरा परफेक्ट आया है मुझे कैसे लग रहा है इसमें अच्छा लग रहा आप लोग कमेंट में बताना और कौन सा पहन के जाएंगे हम जैसे जैसे लाइन से पहन रहे हैं ना वैसे आप नंबरिंग करोगे कि 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला ठीक है तो चल अभी जा रहा है 3rd नंबर ड्रेस तो ये रहा मेरा 3rd आउटफिट इसका पीछे वो इतना बैकलेस पीछे कुछ भी नहीं है लेकिन नेट है उतना स्कीन पता नहीं चल रहा मतलब नेट बैलेंस कर दे रहा कैसे लग रहे हैं ये अच्छा लग रहा ना बहुत ये बाबू ने पसंद किया था और ये और मैं तो कहूँगा एंगेजमेंट में यही पहनूं ठीक है देखेंगे बोर्ड जो आता है ये आपको पसंद है इसलिए आप बोला हमको रेड वाला पसंद आता है ठीक है देख लेंगे रेड और ब्लैक मुझे तो ये दोनों अच्छा लग रहा है आई थिंक यही ज्यादा अच्छा लगेगा मायरा के बर्थडे में जो गाउन लेते हैं वो भी तो नहीं दिखा वो रखते इस बेड में है और हम वही गाउन पहनने ब्लैक वाला गाइस मेरे पास और 2 गाउन और एक है जो कि हम दिखा देंगे सिंड्रेला टाइप वाला और 2 गाउन जो सिंड्रेला टाइप वाला है वो बहुत दो बार पहन लिए वो नहीं चलेगा दो बार नहीं वो एक ही बार पहने हैं प्रिया का उसमें गए थे और एक बार मेरे बर्थडे में मैं कह रहा हूँ ये पहनो मायरा के बर्थडे में पहना ये उसका एंगेजमेंट में ही पहने और भी है ना यार बहुत पुराना आप लोग कमेंट करना ठीक है पुराना है इतना अच्छा लग रहा है ना अच्छा आप लोग कमेंट करना ठीक है हम सबके ऊपर छोड़ रहे हैं आप लोग कमेंट करना चलो इसके बाद का आउटफिट पहनते हैं तो ये रहा मेरा 4th लुक ये ना पिनअप करके आई थिंक अच्छा लगेगा तो अभी तो पिनअप नहीं करेंगे हम कहते हैं इसको पिन तो किए है पिन नहीं लगा इसको ब्लाउज के अंदर टक करती है और कुछ फुल आउटफिट ऐसा लग रहा है कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है मर पाली दुबे जैसी लगती है अरे यार आपको क्यों ऐसे करके बोलते हैं ए जी इन्हें आवी ना अच्छी लग रही इसमें ये भी अच्छा लग रहा है वीडियोस में बट ब्लैक आई थिंक वो रेड वाले से अच्छा ये रेड वाला लग रहा है क्या मजाक नहीं कर रहे कमेंट में लोग देखेगा बोलेगा देखो तू अच्छा आप लोग तो कमेंट्स करो वो रेड वाले से अच्छा ये वाला लग रहा है ये रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन ये लहंगा ना हमको बस घेर कम लगता है मतलब बट ये ठीक है घेर ज्यादा रहने से इसमें तुम ज्यादा फैट मतलब फैटी फैटी नहीं लग रही हो कौन बोला है घेर ज्यादा रहने से देखेंगे ये भी अच्छा लग रहा है बाकी कमेंट्स करेंगे उनको पता चलेगा चलो ये नेक्स्ट पहन के चल जाओ आप क्या बोला हम ये पहने वो कमेंट करेंगे नेक्स्ट 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 कम ऑन टाइम नहीं है नेक्स्ट तो ये रहा मेरा 5th या 6th ड्रेस कैसा लग रहा है उतना आइडिया नहीं है ये स्कर्ट इसका हमको इतना प्यार लगता ना मतलब प्यार ही आ जाता है स्कर्ट पे और इसका हम दुपट्टा इसलिए ऐसे करके ले लिए ना क्योंकि इसका कप सही से नहीं है मतलब पैडेड ब्लाउज में यही दिक्कत होता है इसका कप सही से नहीं रहता तो काफी प्यारा है इसका मतलब जो दुपट्टा ना बहुत प्यारा है लेने के बाद बहुत कम्फर्टेबल लगता है तो कैसे लग रहा है कॉमेंट करके बताना कि कौन सा वेयर करे और है जो सबसे पहले वाला दिखा देना गाउन वो और गाउन मेरे पास और 2-3 गाउन है और जो कि मेरे इस बेड के अंदर एक बेड उठाने का एनर्जी बिल्कुल भी नहीं इतना पहन पहन के दिखाने के बाद अगर मतलब एक तो पहने थे मायरा का बर्थडे में हम लोग सब देखे थे और एक पहने थे प्रिया का शायद किस में पहने थे प्रिया का रिसेप्शन में पहने थे प्रिया का ब्लैक कलर का गाउन 2 और एक प्रिया का शादी में ही लेते जो हम आपको दिखा चुके हैं फोटो में तो चलो आज के लिए यहाँ पे बाय बाय करते हैं लेकिन हम आप लोग मतलब आशा में रहेंगे आप लोग जल्दी कमेंट करो कौन से एंगेजमेंट में पहने हम है ना जल्दी मेरे ख्याल से ब्लैक देखो एक ये एक ये भी अच्छा लग रहा है ठीक है इसको हाँ अच्छा ये भी बहुत प्रिटी लग रही है एक ये और इससे पहले जो रेड वाला पहनी थी वो और ब्लैक वाला ये तीनों में देखना कमेंट का बहुत सारा आएगा देखते हैं अगर ये बोलेगा तो इसका साइड से थोड़ा सा सिलाई हम खुलवाएंगे क्योंकि कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है ऐसे कप चेंज बट ये अच्छा लग रहा है ज्यादा हमको लग रहा है यही ठीक है
जल्दी आपका कमेंट का इंतजार में रहा और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना अच्छा ब्लॉग के लिए। आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं कल, फिर बाय बाय।